तो शायद मालूम ही है कि आज 12th हिस्ट्री चैप्टर 11 पढ़ाएंगे, इसमें से गोवा क्लास 1857 के विद्रोह के कारण, 1857 के विद्रोह पर हमने काफी चर्चा कर चुके हैं। बस एक संक्षेप में 30 सेकंड में कुछ बोलना चाह रहे हैं, 1857 में जो विद्रोह हुआ था, अर्थात राज अंग्रेज को भगाने का एक बड़का आंदोलन शुरू हुआ, और वह इतना बड़ा आंदोलन था कि लग रहा था कि अंग्रेज भाग ही जाएगा, लेकिन अंग्रेज बच गया, नहीं भाग पाया, क्योंकि उसकी जड़ जो है सिर्फ मेन जड़ को देखा यहाँ के लोगों, कुछ इधर उधर भी जड़ था तो उसको बचा लिया। तो उस विद्रोह के क्या कारण थे, कोई भी जो लड़ाई इंजर्ट होता है ना, चाहे आपके घर में हो, देश स्तर पर हो, दुनिया स्तर पर है, उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है मेरे भाई। तो इसका भी कारण था, और उन कारणों को शायद हम लिखा भी किए, सात कारण बताए थे नहीं, पहला कारण क्या था, राजनीति कारण, पहला था राजनीति कारण, दूसरा यही प्रशासनिक कारण, तीसरा आर्थिक है सामाजिक कारण, चौथा धार्मिक कारण, पांचवा सैनिक कारण, और छठा तत्कालिक कारण। तो ये 6-7 कारण इसका, उसे तो बहुत सारे कारण है, 6-7 कारण हमने पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे, और उन्हीं में से दूसरा कारण आज बताने जा रहे हैं, प्रशासनिक कारण। इससे पहले पहले आप राजनीति कर नहीं राज पर रहे प्रशासनिक कर, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या काम होता है। मेरे भाई प्रशासनिक शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां पर आपको नियंत्रण में रखने के लिए कुछ किया जाता है, अर्थात पुलिस व्यवस्था से लेकर न्यायालय तक भी आ जाता है, न्यायालय को अलग रखा जाता है लेकिन वहां तक भी आता है, वो भी नियंत्रण रखने के लिए आपको कुछ किया जाता है। तो पहले जमाना में तो इतना थाना पुलिस नहीं थी, पहले जमाना में क्या था, मुंशी दीवान था, तो मुंशी दीवान भी किसमें आ जाता था, प्रशासनिक व्यवस्था में आता, अर्थात अंग्रेज के मुंशी दीवान, अर्थात टैक्स वसूलने वाला जो पदाधिकारी सब था, वो भी किसमें आ जाता था, प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये टैक्स वसूलने वाला जो भी सिस्टम था उसका, वो बिल्कुल ही गड़बड़ था, बेरहमी से एक तो टैक्स वसूला जाता था, अंग्रेज को ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था उसमें, इसमें बिचौलिया सब बहुत था, बिचौलिया बहुत खाता था, जहां पर अगर टैक्स अंग्रेज लगाता था 10 रुपया तो 15 रुपया वसूलता था, अंग्रेज को पहुंचाता था कितना, तो 15 रुपया देने में अंग्रेज के दिमाग में था कि किसान को हम कितना ले रहे हैं, 10 रुपया, लेकिन यहाँ पर डेढ़ लिया जा रहा है, इससे तो किसान को पीड़ा होगा ना, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे भी थे ना, गड़बड़ तो था लेकिन पढ़े लिखे थे, प्लान जो बनाते थे तो वो ये सोचते थे कि इतना नहीं खाए कि उल्टी हो जाए, उनको दिमाग में था कि कितना हम खाएंगे तो पच जाए, लेकिन उल्टी कौन करवा देता था, बिचौलिया सब, बिचौलिया सब इतना टैक्स लगवाता था, इस तरह से टैक्स छूटता था, सब देने में समर्थ हो जाता था, और कुछ उसकी बातें नियंत्रण रखने के लिए कुछ चीजें थी जो भारतवासियों को अप्रिय लगा था। मैं एक कुछ चीज बताता हूँ प्रशासनिक क्षेत्र में, दूसरा इसका था, एक तो टैक्स में देख लीजिए कि आपने पिछला बिचौलिया को बहुत लगाया था, तो परेशान कर रहा था प्रशासनिक, दूसरा था मेरे भाई कि प्रशासनिक जो पद था, चाहे वो पुलिस पद हो, मुंशी पद हो, जो भी पद है, उन पदों पर भारत के लोगों को उच्च पद पर नहीं बिठाया जाता, सब कुछ रहते हुए भी उच्च पद पर इसे, इसको चपरासी चपरासी घटिया वाला पद पद पर बैठाया जाता, इससे ये लोग नाराज रहते, सेना में भी अच्छे पद पर नहीं बैठाया जाता, निचल का पद पर बैठाया जाता था, मतलब पुलिस पुलिस बनाया जाता था, जब लड़ाई होती थी तो
लड़ाई में सबसे आगे इसी को रखा है ताकि उधर उधर से जो मारेगा थोड़ा पत्थर तीर भारत के लोग तो कौन मरेगा, भारतीय मरे। अगला पंक्ति इसी को रखा जाता है लड़ाई, तो भारत के लोग किसको मारना है, भारत के लोग को ही मारना है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र में अंग्रेज के द्वारा काम किया जा रहा था, नीतियां बनाई जा रही थी, जिस नीति से भारतवासी काफी तंग आ गए थे और इस नीति से छुटकारा पाने के लिए एकजुट हो रहा था जो 1857 के केजरीवाल का क्या बात समझे कुछ इसमें तीन वो चार वो चीज इसमें बहुत इसका लंबा चौड़ा कर सकते, अगर पॉइंट बना के लेंगे तो तीन चार पैसे कर सकते। पहला आप कर सकते हैं कि अंग्रेज ने कर वसूलने के लिए जो नियम बनाए थे, पदाधिकारी बनाए थे, वो बड़ी आठ था, उसमें चोलिया बहुत थे जिससे लोग परेशान थे। दूसरा आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक ऊंचे पद पर भारतीयों को नहीं बिठाया था जिससे भारत के लोग परेशान थे। तीसरा कह सकते हैं कि सेना में जो है भारत के लोगों को भर्ती किया जाता था लेकिन उसको अगले पंक्ति पे रखा जाता था, जहां भी लड़ाई होती थी तो सबसे ज्यादा भारत के लोग ही, भारत के सेना ही मरते थे। नेक्स्ट इसके बाद कह सकते हैं कि अंग्रेज की जो भी प्रशासनिक नीति होती थी वह शोषण के दृष्टि से होता था, शोषण करने की समझते हैं, इसी से गलत फायदा होता था, शोषण के दृष्टि से होता था। तो इन सब के कारण भारत के लोगों में अंग्रेज के प्रति नफरत जगा और अंग्रेज को भगाने के लिए एकजुट होने लगा जो 1857 के केजरीवाल का क्या हो, आप लोग समझे, बोलिए आवाज खोलिए एक बार जल्दी में। यस सर। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे भाई नोट कीजिए इसको, 1857 के विद्रोह के कारण में, 1857 के विद्रोह के कारण में प्रशासनिक नीति भी एक कारण था। अंग्रेज प्रशासनिक नीति के तहत शोषणकारी नीति अपनाया था, अंग्रेज प्रशासनिक नीति के तहत शोषणकारी नीति अपनाया था। इतना ही नहीं, कुछ प्रशासनिक पद पर भारत के लोगों को नहीं बिठाया जाता था, साथ ही अपने हित में प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार करते रहते थे जिससे लोग परेशान हुआ और अंग्रेज के खिलाफ एकजुट होने लगा जो 1857 के विद्रोह का कारण था। मेरे भाई तो समझ गए इसको, शायद लिख भी दीजिए नहीं, एक और कम से कम कारण बताइए तो कौन है, आर्थिक कारण। तीसरा आपका है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। सबसे पहले हमको जानना है कौन ये आर्थिक क्या है। अरे भाई आर्थिक शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जो धन दौलत रुपया पैसा से संबंधित है। जैसे वर्तमान देख लीजिए, वर्तमान में हमारे समाज हमारे देश की आर्थिक क्षेत्र कौन कौन, अर्थात रुपया पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अब देख लीजिए खेती भी है, धान गेहूं आप अपने ही घर को ले लीजिए तो आपके घर में पैसा आएगा कहाँ कहाँ से, खेती से भी आता है, आप व्यवसाय से व्यापार से भी आता है, सरकारी नौकरी से भी आता है,
मजदूरी से भी आता है। तो इस तरह से ये सब क्या हो गया, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्षेत्र हो गया। तो अंग्रेज जो थे तो उसका जो आर्थिक क्रियाकलाप था वो भी उसी के लिए तो एवे किया था यहाँ पर, अर्थात लूटने के लिए ही तो आया था यहाँ। उसके एक एक नियम यहाँ के लोगों को लूटना ही, और आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने भारत के किसानों पर विभिन्न तरह के टैक्स लगाते थे, उनसे वो परेशान थे। साथ ही साथ यहाँ के जो मजदूर थे इससे सस्ता में काम करवाते थे, कम पैसा देकर अधिक घंटा काम करवाते थे, उससे मजदूर परेशान थे। योग्यता रहने पर भी सरकारी नौकरी जो देते थे वो ऊंचे पद पर नहीं देते, उसको कम थोड़ा पैसा पर देते। आप देख लीजिए कि आर्थिक क्षेत्र में अर्थात रुपया पैसा धन दौलत के क्षेत्र में अंग्रेज ने ऐसे नीति अपना के रखा था कि भारत के लोगों के पास अपने आप पैसा नहीं था, इतना पैसा होता था जिससे वो अच्छी तरह से खा भी नहीं सकते थे, लत्ता कपड़ा बच्चा को पढ़ा लिखा भी ठीक ढंग से नहीं सकते। तो इससे यहाँ के हालत दिन प्रतिदिन क्या होगा खराब होते चला गया, और उससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ के लोग फिर वही एक शुरू हुआ, नहीं अंग्रेज को भगाना जो है जो 1800 के विद्रोह का बस एक बार फिर से संक्षेप में सुना देते हैं। आर्थिक कर्म हम कहेंगे कि अंग्रेज ने जहां किसान पर विभिन्न तरह के टैक्स लगाकर किसान की आर्थिक स्थिति को कमजोर रखा था, वहीं मजदूर को कम वेतन देकर मजदूर की हालत को खराब बना दिया था। साथ ही पढ़े लिखे लोग जो थे उसको योग्यता रहने पर भी छोटे छोटे पद पर नौकरी देकर उसकी भी हालत खराब करके रखा था, और इन सब कारणों से भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। और उनसे छुटकारा पाने के लिए भारत के लोग एकजुट हुआ जो 1800 का समझ गए इसको बिल्कुल मैंने समझाया संक्षेप में भी डिटेल में भी, तो अगर समझ गए तो आपके पास है एक मिनट है लिख लीजिए इसको तुरंत। आर्थिक कारण में अंग्रेज अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए जहां किसान पर भिन्न भिन्न तरह का टैक्स लगाते रहते थे, वहीं कम मजदूरी पर मजदूरों से काम करवाता था। कौन करवाता था? अंग्रेज काम करवाता था। ऊंची योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भी निम्न पद पर नियुक्त कर देते थे, नौकरी छोड़ने में निम्न पद पर नियुक्त करते थे। इससे भारतवासी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जिससे छुटकारा पाने के लिए भारत के लोग एकजुट होने लगा जो 1857 के विद्रोह का। तो मेरे भाई आज हम दो कारण आपको लिखा पाए समझा भी पाए, और नेक्स्ट दिन से क्लास टाइम से ही चलेगा, टाइम से आइएगा आप लोग सोमवार से। आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया।